अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। एक नई वीडियो आपके लिए लेकर आया हूं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप घर बैठे ऑनलाइन कैसे अपने इकामे पर जो सिम इशू हुई है वो कैसे आप चेक कर सकते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से गुजारिश है, जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो प्ले स्टोर में जाते हैं, यहाँ हम CITC के नाम से ये एक सॉफ्टवेयर है तो इसको हम डाउनलोड करते हैं। तो चाहे आप सॉफ्टवेयर के थ्रू आप चेक करें, चाहे आप लैपटॉप में जाके या क्रोम में जाके आप इसकी वेबसाइट है CITC.gov.sa वहाँ से भी आप चेक कर सकते हैं। तो ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड होता है, डाउनलोड होने के बाद मैं आपको इसका पूरा प्रोसेस बताता हूँ। इस सॉफ्टवेयर का सबसे मेन जो फ़ायदा ये है कि आपको फ़र्ज़ करें आप कहीं किसी शॉप से आप सिम लेते हैं तो आपका जो एकामा है उनके पास एक रिकॉर्ड चला जाता है, वो आपके एकामे पर बहुत सारी सिम भी निकाल सकते हैं। कुछ लोगों का ये मसला होता है, उनको पता ही नहीं होता कि मेरे एकामे पर कितनी सिम है। जब वो एग्ज़िट जाते हैं, खरूज नाई पे जाते हैं तो एयरपोर्ट पे जाके उनको रोक दिया जाता है। तो इसलिए आप वक्फे से आप चेक करते रहें क्या मेरे कामे पर कोई और सिम इशू तो नहीं हुई। तो ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो चुका है, इसको ओपन करें। कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कमीशन, इसको आप इंग्लिश कर लें। इंग्लिश करने के बाद यहाँ आपने अपना आईडी देना है, जो आपका एक कामा नंबर है वो दे दें। अगर रजिस्टर्ड नहीं हुआ तो यहाँ आप रजिस्टर्ड न्यू अकाउंट यहाँ रजिस्टर्ड भी कर सकते हैं। आपका अपशर होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि अपशर में ही आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होता है। तो ये मैंने अपना एक कामा नंबर दिया है और लॉगिन पे क्लिक किया है तो आपको अभी आपको मोबाइल पर एक कोड रिसीव होगा, वो कोड आपने यहाँ देना है 3782। ये जो पहला ऑप्शन है ये देखा मेरा नाम भी ऊपर आ रहा है तो अर्गामी योर रजिस्टर्ड नंबर ऑन योर आईडी, यहाँ इस पर क्लिक करें। ओपन सर्विस पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद ये देख सकते हैं कि मेरे नाम पे सिर्फ मेरे कामे पे सिर्फ दो सिम इशू हुई हैं, जो ये दो नंबर है, ठीक है। तो अगर आप इनको कैंसिल करना चाहते हैं तब भी आप कैंसिल कर सकते हैं। यहाँ सबमिट कंप्लेंट पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद यहाँ नेक्स्ट पर क्लिक करें। कैंसिलिंग नंबर सर्विस, इस पर क्लिक करें। वहाँ आपको ये आपके नंबर शो करेगा, जो भी आपने नंबर कैंसिल करना है उस पर क्लिक करने के बाद आपने नेक्स्ट पर क्लिक करना है। तो मैं फ़िलहाल अपनी कोई भी सिम कैंसिल नहीं करना चाहता। तो अगर आपको कैंसिल करने में कोई भी मसला हो या आप कोई भी और सवाल पूछना चाहें तो आप कमेंट्स में मुझे भेजें मैसेज में, आपको उसका ज़रूर जवाब दूँगा। तो ये थी वीडियो दोस्तों, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।